हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माही फैशन एंड लाइफस्टाइल। आपने मेरा थंबनेल देख के और टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ, मैं अभी बॉक्स से ऑक्सीमीटर निकाल रही हूँ, देन फिर मैं आपको शेयर करती हूँ कि मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ है और मैं आप लोग के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, पहले ये जो ऑक्सीमीटर्स है इसमें कुछ पॉइंट्स है। सो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीमीटर में हमें दो बैटरी लगती है, जो पेंसिल बैटरी होती है। देन इसमें एक प्लस माइनस का भी ऑप्शन होता है बैटरी में, और इसमें एक दोनों साइड का भी ऑप्शन होता है, जिसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको तो पता होगा, बट मेरे साथ ये ऐसी गलती हो गई थी कि मेरा जो ऑक्सीमीटर था वो बैक साइड से, इसमें जो बैटरी लगाते हैं वो दोनों साइड स्प्रिंग दिखा रहा था, तो मुझे लगा वैसा लगाना है, तो इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। बट इसमें ऐसा है, प्लस और माइनस का दिया हुआ है, तो वो दोनों साइड चेक करके लगाना पड़ता है। तो ये इस टाइप से मेरे साथ हुआ था, तो मैं ये ऑक्सीमीटर में बहुत कंफ्यूज थी, तो इसलिए यही वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग के साथ ऐसी गलती ना हो। ऑक्सीमीटर के फ्रंट में एक राउंडेड बटन दिया हुआ है, जिस पे मैंने जो किया था वो मैंने उसे प्रेस करके रखा हुआ था ओपन करने के लिए, बट उसे प्रेस नहीं करना होता है, सिर्फ वन क्लिक करना होता है। तो देखिए, वन क्लिक करने के बाद इसमें अब पता चल जाता है कि हमारा बैटरी कितना फुल है, और इसमें सारे पॉइंट शो होने लग जाते हैं जो इसमें दिखने वाले हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है SPO2, जो हमें परसेंट में नोटिस होता है। सेकेंड जो ऑप्शन दिया हुआ है वो PRBPM है, जो एंड थर्ड जो दिया हुआ है वो PI है, जो परसेंट में नोटिस होता है। तो चलिए मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसके क्या पॉइंट्स है। जब मैंने इसे यूज़ किया था, मैंने इसमें फिंगर जब यूज़ किया, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि यार ये ऐसा क्यों बता रहा है, कितना इन्हें क्या आता है इसमें। सो देखिए फ्रेंड्स, इसे जब हम ओपन करते हैं तो इसके बीच में एक ये ऑप्शन दिखाई देता है, जो एक जहाँ पे एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक होती है। तो ये ब्लिंक जैसे ही होती है इसे प्रेस करने पे, तो वहाँ पे अपनी फिंगर को टच करना होता है। टच करने के बाद यहाँ पे हमारे पॉइंट्स नोटिस होने लग जाते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे सारे पॉइंट नोटिस हो रहे हैं। इसे कुछ सेकेंड तक रखना पड़ता है, मतलब 3 to 4 सेकेंड तक इसे रखने के बाद हमारा SPO2 और PRBPM एंड PI नोटिस होने लगता है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें भी नोटिस होने लग गए हैं पॉइंट्स पे। तो SPO2 जो है परसेंट में नोटिस हो रहा है, और PI हमारा जो नोटिस हो रहा है परसेंट में हो रहा है, एंड PRBPM जो नोटिस हो रहा है वो नंबर्स में नोटिस हो रहा है। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ, जो SPO2 है परसेंट में, उसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका जो मतलब मीनिंग्स होता है, वो सैचुरेशन पैरल्स ऑक्सीजन होता है, जो परसेंट में नोटिस होता है। एंड सेकेंड जो है PRBPM, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो पल्स रेट बिट्स पर मिनट्स का होता है। इस वर्ड से ही हमें समझ में आ जाता है कि हमें क्या नोटिस होगा। एंड थर्ड जो है वो PI है, जो कि परसेंट में नोटिस होगा, इसका जो फुल फॉर्म है वो पर एंड इसका जो है ये परफ्यूजन इंडेक्स है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट पॉइंट है जो SPO2 है, इसमें जो शो हो रहा है वो 98 पॉइंट शो हो रहा है। इसका जो ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए वो बिटवीन 96% and 98% वैल्यूएबल रहना चाहिए। बिलो अगर 95% रहता है तो ये इंडिकेट करता है अपने हेल्थ के लिए, और 95 के अंडर अगर रहा तो हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस होता है। हमारा नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो 95, 96, 97, 98 and 99, ज़रूरी नहीं है ये 100 ही हो तो हम सेफ है या हमारा ऑक्सीजन लेवल सही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 96 to 98% रहना चाहिए, ये हमारा नॉर्मल है। सेकेंड वाला जो है वो PRBPM है, ये पल्स रेट बिट्स पर मिनट होता है। ये हमारा नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रेट इन ह्यूमंस इज बिटवीन 6900 बिट्स पर मिनट, बट इसका जो मतलब ये डिपेंडेंट भी होता है अपने फिटनेस लेवल पे, बॉडी वेट पे, इमोशनल स्टेट में, मेडिटेशन पे होता है, और बॉडी पोजिशन में भी ये डिपेंड करता है, एंड इन्वायरमेंट इन फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी डिपेंड करता है।
हमारा ये पल्स रेट। और ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हमारे यहाँ पल्स रेट 40 तक भी चला जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, एंड हाँ, इसमें एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ऐसा था कि यार मैं ये मतलब कैसे इसे मैं यूज़ करूँ। मैंने तो इसे शुरू भी कर लिया, सब कर लिया, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो ये ऐसा हो गया था कि वॉट इज़ SpO2 एन पी आर इज ऑक्सीमीटर, यानी मैंने जब ओपन किया तो ये क्या है यार जो इसमें दिख रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है, इसमें जो SpO2 सैचुरेशन ऑफ पेरिपेरल्स ऑक्सीजन एंड इट इज एन एस्टिमेट ऑन द SaO2 द सैचुरेशन ऑफ आर्टेरियल ऑक्सीजन। और सेकेंड जो है पल्स ऑक्सीमीटर, ये होता है मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बीइंग केयर्ड इन योर ब्लड एज अ परसेंटेज। द मेजरमेंट इज टेकन एट द फिंगर यूजिंग अ पल्स ऑक्सीमीटर। तो हमारा जो पल्स रेट होता है वो मतलब हमारे फिंगर से चेक किया जाता है। तो इन सब चीज़ के लिए छोटा सा ऑक्सीमीटर हमें प्रोवाइड किया गया है कि हम कभी भी अपने हेल्थ को चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट इसमें यह होता है कि हम जब ऑक्सीमीटर यूज़ करने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्वेश्चन मार्क ये हो जाते हैं कि यार हम ये कौन सा फिंगर यूज़ करें इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम यूज़ करने जाते हैं तो क्या विच फिंगर इज़ बेस्ट ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर। सो इसका राइट आंसर ये है कि हमारा जो ऑक्सीमीटर में हम जो फिंगर यूज़ करते हैं, वैसे तो हम बोथ हैंड्स का फिंगर यूज़ कर सकते हैं, दोनों हाथों के फिंगर्स को यूज़ कर सकते हैं, बट मेन जो होता है वो हमारा जो मिडल फिंगर होता है, दोनों हाथ के मिडल फिंगर एंड थम को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और आपके भी मतलब यूज़फुल होगा, क्योंकि मेरे साथ सच में ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने सोचा आप लोग के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो शेयर कर लूँ ताकि आप लोग को भी ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। और मुझे ये भी पता है कि आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा सब कुछ चीज़ें, बट मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो सोचा मैंने आप लोग के साथ शेयर कर लेना चाहिए, ताकि फिर थोड़ी बहुत नॉलेज मेरी भी आप लोग के साथ शेयर हो जाए। और ये शेयर करने से पहले मैंने मतलब मैं जब ऑक्सीमीटर यूज़ कर रही थी तो मैं ये मतलब बहुत सारा सर्च किया, मैंने गूगल से सर्च किया, यूट्यूब से सर्च किया, देन सारे पॉइंट्स निकाल के अब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और थर्ड वाला जो पॉइंट था हमारा पीआई परसेंट में, जो इसमें दिखा रहा है 4.5 एंड ये चेंज होते रहता है 5.1। तो ये देखिए इसमें जो आ रहा है अभी इसका जो है, तो इसका जो थर्ड पॉइंट था पीआई जो परसेंट में है ये चेंज होते रहता है। तो इसका जो था परफ्यूजन इंडेक्स, इसका जो नॉर्मल पीआई रेंज फ्रॉम जो होता है वो 0.02% से लेके 20% तक होता है, जो शोइंग वीक टू स्ट्रॉन्ग पल्स स्ट्रेंथ, मतलब कम से लेके ज़्यादा तक इसका जो पल्स होता है, पल्स स्ट्रेंथ होता है वो शो करता है। तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या बता रहा है करके। तो आई होप आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होंगी और आपके लिए भी ये यूज़फुल होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और ये देखिए अभी हमारा सारा तो चेक हो गया है, और इसे जब हम क्लोज करना है तो इसे डायरेक्ट हम फिंगर को बाहर निकाल लीजिएगा, और ये कुछ देर के बाद फिंगर आउट बोल के क्लोज हो जाता है। और ये जब स्टार्ट भी होता है ना, तो इसे स्टार्ट होने के समय ना 3 to 4 सेकेंड लगता है शुरू होने के लिए, मतलब उसमें नंबर्स काउंट होने के लिए, देन फिर वो अपने नंबर्स बताता है परसेंट में जो इसमें पॉइंट्स आते हैं वो। तो इसमें भी आपको मतलब घबराने की जरूरत नहीं है कि यार ये शुरू क्यों नहीं हो रहा, ये आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने इसे लगा के रखा था, मैंने 2 बार इसे ट्राई किया बट मेरे में ये शुरू नहीं हुआ, देन फिर मैंने अपनी दीदी के इसमें ट्राई किया तो उसके इसमें शुरू हो गया था। तो आप लोग को भी ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने फिंगर इसमें लगाया है तो ये इसमें आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, तो ऐसा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और इसे आप शेयर भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही था, मुझे जितना लगा मैंने उतना आप लोग के साथ शेयर किया, मुझे इससे जितना नॉलेज मिला उतना नॉलेज मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय साई राम, अच्छे से रहिए, खुश रहिए और अपने फैमिली का ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए।